ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि भैया हमारे पति मेरी बात नहीं सुनते, भैया मेरी पत्नी मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती, हम लोग में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती हैं। तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊँगा। पाँच उपाय की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करेंगे। कोई एक उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपके बीच में जो भी लड़ाइयाँ होती हैं धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर होंगी, ठीक है? तो एक एक करके हम लोग सारे उपाय की बात करते हैं। तो सबसे पहले उपाय की बात हम लोग लेते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा एक लोटा, इसी तरीके से तांबे का लोटा आप लेना और इस तांबे के लोटे में अपने घर से जल भरना। एक चीज का ध्यान रखना, इस उपाय को करने के लिए आपको स्टील का लोटा नहीं चाहिए, आपको तांबे का ही लोटा लेना होगा, ठीक है? जल भर लेना सिंपल सा और इसमें कुछ भी नहीं डालना है। इस कलश को लेकर पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग पास। किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आप महादेव के शिवलिंग के पास उस कलश को लेके जाएं, फेस रखेंगे उत्तर दिशा की तरफ और उस जल को का नाम लेके चढ़ाएंगे, आशुतोष महादेव का नाम। जो भी पति पत्नी में लड़ाइयां होती हैं उनके लिए आशुतोष महादेव के नाम से जो भी व्यक्ति जल को समर्पित कर देता है, महादेव हमेशा उनसे खुश रहते हैं और उनके बीच में जो भी लड़ाइयां होती हैं धीरे धीरे करके वो खत्म जरूर होती हैं। नाम याद रखिएगा महादेव का, आशुतोष महादेव के नाम से आपको जल चढ़ाना स्टार्ट करना होगा, ठीक है? ये तो हमने बात कर ली बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि थी आपकी आशुतोष महादेव की, ठीक। अब यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। देखो सारे उपाय आपको याद दिलाऊंगा मैं, बहुत ध्यान से सुनते जाओ। स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, यहां पर आपको एक नारियल दिख रहा है, इसी तरीके से जूट वाले नारियल ले, कुछ इस तरीके से, ठीक है? ले लिया। इस एक नारियल को किस हाथ में पकड़ोगे, अपने बाएं हाथ में, अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ना। साथ ही साथ जरूरत होगी इस तरीके से कलावा की, मौली की, जो हम लोग अपने हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं ना, उसी की हमें जरूरत होगी। जब जो ये नारियल आपने अपने बाएं हाथ में अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ा है और इस कलावा को अपने दाहिने हाथ में लेके उस नारियल को लपेटना होगा। जितने भी कमरे हों आपके घर में, उन सभी कमरों में घूमते घूमते उस नारियल पर मौली को लपेटते जाएं, अपने यहां का नाम और गोत्र बोल करके उसको लपेटते जाएं, ठीक है? सभी कमरों में घूम लेना, वॉशरूम को छोड़ करके जितने भी कमरे हैं सभी कमरों में एक बार चले जाना। चले जाने के बाद क्या करोगे, उसको लेके पहुंच जाना महादेव के मंदिर के पास। एक चीज का ध्यान रखना, वह आप जो नारियल लेके गए हैं वो महादेव के शिवलिंग के पास आपको नहीं रखना है, महादेव के मंदिर के प्रांगण में कहीं पर भी ऐसी जगह रख देना ताकि कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं। किसका नाम लेकर के, तुम रुका जी के नाम से उस नारियल को ले जाकर के महादेव के मंदिर में जो भी व्यक्ति रख देता है, इस तरीके से कलावा लपेट करके उनके बीच में जो भी लड़ाइयाँ होती हैं, क्लेश मचा होता है, धीरे धीरे करके वो ख़त्म ज़रूर होता है, ठीक है? बस नाम याद रखना, तुम रुका जी के नाम से उस नारियल को महादेव के मंदिर में आपको रखना होगा। यहीं पर लोग पूछेंगे भैया कौन से दिन इस उपाय को करें, तो इस उपाय को भी करने का कोई दिन निर्धारित नहीं है। हाँ, कोशिश करिएगा इस उपाय को शाम के टाइम पर करिएगा, ठीक है? तो दो उपाय की दो बात हमने यहां पर कर ली। अब हम लोग तीसरे उपाय की तरफ बढ़ते हैं क्या, लेकिन ये उपाय बताने से पहले आपको करना होगा वीडियो को लाइक, और जो भी लोग मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है? देखो स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, यहां पर आपको हल्दी दिख रही है, ये मैं तीसरा उपाय बता रहा हूं, ठीक है? देखो हल्दी दिख रही है, एक चुटकी हल्दी ले लेना। एक काम किया करो, जब भी हल्दी लिया करो ना, तो कोशिश किया करो खड़ी हल्दी को पीस लो, है ना? इससे थोड़ा इफेक्ट ज्यादा आता है ना? नहीं कर सकते हो तो पीसी वाली ले सकते हो, मार्केट में मिलती हैं, ठीक है? एक चुटकी ले लिया। साथ ही साथ जरूरत होगी इस तरीके से कच्चे दूध की, है ना? कच्चा दूध वो दूध होता है जो गैस पे गरम ना किया गया हो, ठीक है? कच्चा दूध ले लिया, गऊ माता का लेना है, भैंस का नहीं। इतना सामान ले लिया, साथ ही साथ एक बेलपत्र ले लेना, बहुत ज्यादा नहीं, एक बेलपत्र जो बहुत ही प्यारी सी हो। अब इन सभी चीज़ों को लेके महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच जाना। अभी उसको कहीं पर मिलाना नहीं है, महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच जाना। जिस भी दिन आपको जाना हो, जिस भी समय जाना हो आप जा सकते हैं। किधर खड़े होगे, हमेशा की तरह उत्तर की तरफ आपका फेस होना चाहिए, मुख होना चाहिए। अब देखो क्रम थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करना। सबसे पहले एक चुटकी जो आपने हल्दी लिया है, उस एक चुटकी हल्दी को महादेव के शिवलिंग के ऊपर आप पहले चढ़ा देना, ठीक है? चढ़ा दिया। अब हल्दी चढ़ाने के बाद दूसरा काम क्या करोगे, जो आप अपने साथ लेके गए हो कच्चा दूध, उस कच्चे दूध को उसी हल्दी के ऊपर आपको अपनी व्यथा, जो भी प्रॉब्लम आपके यहाँ बीच में चल रही है, लड़ाइयों को लेके, बात तलाक तक हो गई है, बात में मतलब वो बात ही नहीं हो रही है आप लोगों के बीच में, इस तरीके से प्रार्थना करना, महादेव हम लोगों के बीच में हमेशा प्रेम बना रहे, कभी भी लड़ाई झगड़ा ना हो, उस दूध को समर्पित कर देना। अब दूध को समर्पित करने के बाद जो एक बेलपत्र आप अपने साथ लेके गए हो, उसी हल्दी और दूध के ऊपर अपनी व्यथा एक बार फिर से
बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए बेलपत्र को कुछ इस तरीके से समर्पित कर देना कि जो डंडी होनी चाहिए किधर हो, माता अशोक सुंदरी की तरफ, पत्ती का भाग होगा वो आपकी तरफ हुआ। ठीक है, तीन काम कर दिया आपने, अभी एक काम आपको और करना है। वो एक काम है जो आपको लेना होगा इस तरीके से तांबे का लोटा और उसी बेलपत्र के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। जल बहेगा, जलधारी से नीचे गिरेगा, अपने दाहिने हाथ में लेके अपने दोनों आँखों पर लगा करके 2 मिनट तक वहाँ पर बैठ करके महादेव को देखते देखते यह कह देना, महादेव हम लोगों के बीच में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती हैं, हमेशा क्लेश मचा रहता है, आप कुछ भी ऐसा कर दें जिससे हम लोग के बीच में हमेशा प्रेम बना रहे, इस तरीके से प्रार्थना कर लेना। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली अपने तीसरे उपाय की। अब जो मैं चौथा उपाय बताने जा रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा कारगर है, बहुत इफेक्टिव है और सबसे आसान उपाय है। ठीक है, देखो करना होगा आपको, लेना होगा इस तरीके से हरा मूंग। हरा मूंग क्या करना, एक खड़ा वाला जो हरा मूंग आता है वो, दाल वाला नहीं, खड़ा वाला हरा मूंग लेना। ठीक है, एक कटोरी में इस तरीके से लेना और इस कटोरी को पानी से भर देना। कितनी देर तक, 10 मिनट तक इस मूंग को गलने देना अच्छे तरीके से। ठीक है, जब मूंग गल जाए इसके पानी को निकाल करके बाहर फेंक देना और उसके बाद मूंग को उसी कटोरी में रहने देना। ठीक, मूंग हो गई और साथ ही साथ जरूरत होगी आपको 7 बेलपत्र की। कितनी, 7 बेलपत्र की, जो कहीं से कटा फटा हुआ ना हो। ठीक, उन दोनों चीज़ों को लेकर पहुँच जाना महादेव के मंदिर में। जैसे ही मंदिर में प्रवेश करोगे सबसे पहले दर्शन हो जाएंगे आपको किसके, नंदी बाबा के। ठीक है, क्या करोगे, आपने जो मूंग की कटोरी रखी है उस मूंग की कटोरी को नंदी बाबा के पास में रखना और जो 7 बेलपत्र है किसका नाम लेकर के, अवधूतेश्वर महादेव, महादेव का बहुत ही शुभ नाम है अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, उसी मूंग की कटोरी के ऊपर, मूंग के ऊपर सातों के सातों बेलपत्र को आप रख देना नंदी बाबा के सामने। ठीक है, रख दिया आपने, उसके बाद वहीं पर मूंग को छोड़ देना है लेकिन जो 7 बेलपत्र आपने उस मूंग के ऊपर चढ़ाई है उन 7 बेलपत्र को उठाना और महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक एक करके अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करते जाना। ठीक है, एक साथ समर्पित नहीं करना सातों, एक एक करके अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। समर्पित जब आप कर चुके हैं तो 2 मिनट महादेव को देखते देखते महादेव से प्रार्थना करेंगे, महादेव हम लोग के बीच में हमेशा क्रोध मचा रहता है, हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती हैं, आप कुछ भी ऐसा करो, मुझे कुछ नहीं पता, आप कुछ भी ऐसा करो जिससे हम लोग के बीच में प्रेम बना रहे। ठीक है, इस तरीके से कर लिया। उसके बाद ये जो कटोरी आपने नंदी बाबा के पास में हरी मूंग वाली रखी है गला करके, उसको ले जाना और किसी भी कोई गौशाला आपके घर के आसपास हो या फिर सड़क वगैरह पे कोई भी नंदी घूम रहे हो उनको आप उसको खाने के लिए दे देना। यकीन मानिए जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उनके बीच में कभी लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, हमेशा प्रेम बना रहता है। ठीक, तो 4 उपाय की तो बात हमने यहाँ पर कर ली है। एक चीज़ आपको और बता दूँ कि आप इन 5 जो उपाय मैंने बता रहा हूँ आपको, इन 5ों में से कोई भी एक उपाय कर लेना, कोई ज़रूरी नहीं कि आप 5ों करो, इच्छा हो तो 5ों कर सकते हो और कोई उसके लिए मना नहीं है, लेकिन एक ही कर लो तो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक, लेकिन बहुत ही ध्यान से एकदम सतर्कता के साथ करना। चलो अब मैं आपको बताता हूँ 5वां उपाय। स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पान का पत्ता दिख रहा है ना, तो आपको 2 पान के पत्तों की ज़रूरत होगी। कितने, 2 पान के पत्ते। साथ ही साथ ज़रूरत होगी इस तरीके से मक्खन की। मार्केट में जाओगे बहुत ही आसानी से और सस्ते दाम में आपको मक्खन मिल जाएगा। ठीक है, मक्खन लेना। अब देखो उन 2 पान के पत्तों को लेके कौन से मंदिर में जाओगे, जिस मंदिर में आपको पंचायत, जो शिव पंचायत होती है ना वो हो। जैसे पहले देवता शिव पंचायत में कौन होते हैं, भगवान शिव, है ना। दूसरे देवता कौन होते हैं, माता दुर्गा। तीसरे देवता कौन होते हैं, भगवान सूर्य। चौथे देवता कौन होते हैं, भगवान विष्णु। थोड़ी राइटिंग मेरी ख़राब है तो समझने की कोशिश कर लेना, भगवान विष्णु। और 5वें देवता कौन होते हैं, भगवान गणेश। ठीक है, ऐसे मंदिर में जाना जहाँ पर ये 5ों देवी देवता एक साथ मौजूद हों। बात आई समझ में। अब देखो जो आपने 2 पान के पत्ते लिए हैं उन 2 पान के पत्तों में से 1 पान का पत्ता आपको माता दुर्गा के सामने मक्खन को रख करके रख देना है और वहीं पर बैठ करके माता से यह प्रार्थना करनी है कि हम लोग के बीच में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती हैं, हमेशा क्रोध होता है, आप कुछ भी करके हमारे बीच में हमेशा प्रेम बनाए रखें। इस तरीके से कामना कर लेना, 1 पान का पत्ता के ऊपर मक्खन को रख करके देवी के पास वहीं पर छोड़ देना। ठीक है, पहला काम हो गया।
गया। अब जो दूसरा पान का पत्ता और मक्खन आपने रखा है उसको आपको मंदिर के सामने नहीं, आपको मंदिर के पीछे रखना होगा। कोशिश करिएगा इस उपाय को आप सोमवार के दिन करें या फिर कोई बहुत विशेष दिन हो, जैसे एकादशी पड़ गई, जैसे कल एकादशी है तो कल कर सकते हो, प्रदोष परसों है तो प्रदोष में कर सकते हो, किसी भी विशेष दिन पे इस उपाय को करिएगा, ठीक है। जो दूसरा पान का पत्ता है जिसके ऊपर आपने मक्खन रखा है वो भी आपको शिव पंचायत का स्मरण करते हुए मंदिर के पीछे ले जाकर के आपको रख देना है और चुपचाप आप अपने घर की तरफ चले आना। यकीन मानिए शिव पंचायत के ये उपाय पति पत्नी के बीच में हमेशा प्रेम बनाए रखता है, तो कर लीजिएगा सभी लोग इस बहुत ही प्यारे से उपाय को। इस पूरी वीडियो को थोड़ा सा बड़ा ज़रूर बना है लेकिन मैंने पांच उपाय आप सभी को बताएं, इनमें से कोई भी एक उपाय जो भी आपको आसान लगता हो, जो भी आपको सबसे सरल लगता हो कर लीजिएगा। कोशिश की मैंने अच्छा समझाने की, तो कम से कम इसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया तो नीचे कॉमेंट में पूछें। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।